गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास. स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास वी हैव फिनिश्ड विद द एक्सरसाइज 2.4 एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज 2.5. हमने कल के क्लास में एक्सरसाइज 2.4 फिनिश किया था. अब हम नया एक्सरसाइज सॉल्व करने जाने वाले हैं, वो है एक्सरसाइज 2.5. ओके, सो द फर्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.5 इज द क्वेश्चन नंबर 1, ऐड यूजिंग एक्सपांडेड फॉर्म. सो हियर वी हैव टू परफॉर्म द एडिशन बाय यूजिंग द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द अदर नंबर आउट ऑफ द गिवन टू नंबर्स. ओके, ये जो फॉर्म है एडिशन का, जिसमें हम एक्सपांडेड फॉर्म यूज़ करना है, जो दो नंबर दिए हैं उसमें से एक नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म यूज़ करके हमें क्या करना है, एडिशन को परफॉर्म करना है. तो पहले तो देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सब पार्ट ए और सब पार्ट बी सॉल्व करूँगी. तो सब पार्ट सी और सब पार्ट डी आपको अपने मन से सॉल्व करना पड़ेगा होमवर्क में. ओके, so let's begin with the subpart A from the question number 1, in which we have to add the two numbers which are 239 and 853 by using the expanded form. यहाँ पे हमें दो numbers को add करना है, एक है 239 और दूसरा है 853, और इन दोनों numbers में से एक number का expanded form हमने लिखना है और फिर addition परफॉर्म करनी है. तो एक्सपांडेड फॉर्म हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था, हाउ टू राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर, है ना. सबको आता है हाउ टू राइट एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ एनी गिवन नंबर, यस. सो सेम वे हम यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे. सो बेसिकली हम जो फर्स्ट नंबर है 239, उसको एज इट इज़ लिखेंगे. 239 प्लस ये जो दूसरा नंबर है 853, इसका हम क्या लिखेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म लिखेंगे. सो 853, एट इज़ एट विच प्लेस, एट इज़ एट 100 प्लेस, मतलब 800, तो प्लस 800 प्लस 53, फाइव इज़ एट विच प्लेस, टेंथ प्लेस, मतलब क्या आएगा 50, प्लस 3 is at which place? 3 is at 1's place, plus 3. So what will be the expanded form of 853? It's 800 plus 50 plus 3. So ये जो पहला वाला number है 239, इसमें हमने ये expanded form क्या करा है, add करा है. जो 853 है उसका expanded form है 800 plus 50 plus 3. तो ये expanded form हमें इस number में add करना है, 239 plus 800 plus 50 plus 3. अब ये जो एडिशन है वो हम ओरली भी परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, तो पहले क्या करेंगे हम, 239 प्लस 800, सो 239 प्लस 800 एडिशन क्या आएगा, इसको ओरली परफॉर्म करो. सो यहाँ पे देखो, वंस प्लेस में दोनों के इसके जीरो जीरो है, तो वंस प्लेस में अगर वंस प्लेस और टेंथ प्लेस दोनों प्लेसेस में जीरो जीरो 800 के, और इसके 3 और 9 हैं. तो अगर हम देखेंगे तो सिर्फ कौन से प्लेस की वैल्यू चेंज होगी, 100 प्लेस की. सो 100 प्लेस में एडिशन करो, 2 + 8 इट इज़ 10, तो 10, ये ओरल कैलकुलेशन है. सो 10 और वंस और टेंस प्लेस में क्या आएंगे, ओ सॉरी 239. सो हमें सिर्फ 100 प्लेस के डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 3 + 0 इज़ 3, 9 + 0 इज़ 9. सो 2 + 8 इट इज़ 10. तो नेक्स्ट प्लेस कोई है नहीं, कैरी फॉरवर्ड नहीं लेंगे हम, डायरेक्टली 10 लिखेंगे, तो इट विल बिकम अ 4-डिजिट नंबर. एंड जो वंस प्लेस और टेंस प्लेस है उसमें 3 और 9 एज इट इज़ लिखेंगे. सो द एडिशन विल बी 1039 प्लस 800 हो गया ऐड. अभी 800 को छोड़ो, आगे क्या है, 50 + 3. सो 1039 प्लस 50 + 3, सो 1039 प्लस 50
सो यहाँ पे देखो, इसके टेंस प्लेस में है 5 और वंस प्लेस में है 0। तो वंस प्लेस का इसका जो डिजिट है 1039, इट्स 9। सो 9 प्लस 0 इज 9 ओनली। टेंस प्लेस में क्या है, 3 है और 5 है, तो 3 प्लस 5 क्या आएगा, 8। एंड रेस्ट ऑल अदर डिजिट्स, बिकॉज ये 50 इज़ अ टू डिजिट नंबर, सो 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस के डिजिट्स एज इट इज़ रहेंगे। सो 1089 प्लस 3, अब 1089 प्लस 3 करो कितना आता है, सिर्फ वंस प्लेस के डिजिट चेंज होने वाली है यहाँ पे, बिकॉज 9 प्लस 3 इज़ इक्वल टू हाउ मच, 9 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 12। तो 12 है, इट इज़ ग्रेटर दैन 9, इसका मतलब कैरी फॉरवर्ड आएगा। तो वंस प्लेस में 2 लिखेंगे और टेंथ प्लेस में जो 8 है उसमें हम कैरी फॉरवर्ड 1 ऐड करेंगे, तो 8 प्लस 1 क्या आएगा, 9। ओके, एंड देन 100 प्लेस और टेंथ प्लेस एज इट इज़ लिखेंगे। अगर आपको ओरल कैलकुलेशंस नहीं आ रहे तो आप रफ में डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे 239 प्लस पहले 800 करो, रफ में करना। ओके, 9 प्लस 0 इज़ 9, 3 प्लस 0 इज़ 3, 2 प्लस 8 इज़ 10, 1039 आया। अब 1039 प्लस 50 करो, 9 प्लस 0 इज़ 9, 3 प्लस 5 इज़ 8, 0 प्लस 0 0 प्लस 0 इज़ 0, 1 प्लस 0 इज़ 1, 1089 प्लस 3, 9 प्लस 1089 प्लस 3, 9 प्लस 3 इज़ 12, वंस प्लेस के आंसर में लिखो 2, कैरी फॉरवर्ड 1, 1 प्लस 8 इज़ 9, 0 प्लस 0 इज़ 0, 1 प्लस 0 इज़ 1, 1092। ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, या मेंटल मैथ्स आपने सीखा ही होगा हाउ टू डू द ओरल कैलकुलेशंस, तो वैसे भी आप परफॉर्म कर सकते हो। ओके, नाउ सब पार्ट बी। इन सब पार्ट बी वी हैव टू ऐड टू नंबर्स विच आर 297 एंड 753। हमें कौन से दो नंबर्स ऐड करने, 297 और 753। तो इसमें से जो दूसरा नंबर है 753, उसका हम क्या लेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म लेंगे और उसको हम इस नंबर में ऐड करेंगे। सो सॉल्यूशन में लिखो 297 प्लस 753 के 100 प्लेस में क्या है, 7। सो प्लस 750 है, 5 इज़ एट टेंथ प्लेस इसलिए प्लस 50 आएगा, एंड 3 इज़ एट वंस प्लेस इसलिए प्लस 3 आएगा। सो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या है 753 का, 700 प्लस 50 प्लस 3, एंड दिस एक्सपांडेड फॉर्म वी हैव टू ऐड विद 297 प्लस 700 प्लस 50 प्लस 3। ओके, नाउ स्टार्ट परफॉर्मिंग द एडिशन। सो 297 प्लस 700 करो, पहले 700 ऐड करो, 297 प्लस 700, तो 700 के वंस और टेंस में क्या है, 0 0, और इसके वंस और टेंस में क्या है, 7 और 9। तो जो 7 और 9 है वंस प्लेस और टेंस प्लेस के नंबर, वो चेंज नहीं होंगे क्योंकि दोनों में क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, 0 ऐड कर रहे। तो एनी नंबर एडेड विद द 0 आंसर विल बी द सेम नंबर, दैट इज़ वाई वंस प्लेस में 7 एज इट इज़ आएगा, टेंस प्लेस में 9 एज इट इज़ आएगा। सिर्फ 100 प्लेस में ऐड करना है, 100 प्लेस में क्या है, 2 प्लस 7, सो 2 प्लस 7 एडिशन विल बी 9, सो 100 प्लेस नंबर विल बी 9। सो 997 प्लस 50 प्लस 3, ओके, सो 997, अभी 997 प्लस 50 ऐड करो, सो 50 के वंस प्लेस में 0 है और 997 के वंस प्लेस में 7 है, सो 7 प्लस 0 वंस प्लेस में आएगा 7, 9 प्लस 5 टेंस प्लेस में है 9 इसके है 5, 9 प्लस 5 क्या आएगी एडिशन, 14, इट इज़ ग्रेटर दैन 9, मतलब कैरी फॉरवर्ड आएगा। तो वंस प्लेस का 4 लिखो, टेंस प्लेस में कैरी फॉरवर्ड 1 लेके जाओ नेक्स्ट प्लेस, दैट इज़ 100 प्लेस, 100 प्लेस में 9 प्लस 1 कितना आएगा, 10। तो ये बना 1047। नाउ दिस थ्री डिजिट नंबर विल बिकम अ फोर डिजिट नंबर, 1047 प्लस 3,
1047 प्लस 3 क्या आएगी एडिशन यहाँ पे 1050 ओके 7 प्लस 3 वन्स प्लेस में क्या है 7 और 3 7 प्लस 3 आता है 10 और 10 इज ग्रेटर देन 9 इसलिए कैरी फॉरवर्ड जाएगा नेक्स्ट प्लेस में सो 4 प्लस 1 बना 5 और वन्स प्लेस में आएगा 0 ओके आपको नहीं आता है ओरल कैलकुलेशन आप यहाँ रफ में भी कैलकुलेट कर सकते हो ओके नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है हमने क्वेश्चन नंबर 2 राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस सो हियर इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट टेंस ओके सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व सब पार्ट बी एंड डी फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2 एंड सब पार्ट ए एंड सी यू हैव टू सॉल्व ऑन योर ओन ठीक है सो 81 अगर हमें यहाँ पे राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस कहाँ पे राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस तो पहले आपको प्लेसेस मार्क करो टेंस प्लेस और वंस प्लेस एज वी हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस तो टेंस प्लेस के बाद कौन सी प्लेस आती है वंस प्लेस सो जो ये वंस प्लेस के डिजिट है वंस प्लेस में क्या है इसके 1 है तो वंस प्लेस के डिजिट को कंपेयर करो आप 5 से और देखो वेदर 1 इज़ ग्रेटर और लेसर दैन 5 1 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा है इट इज़ लेसर दैन 5 सो एज योर वंस प्लेस डिजिट इज़ लेसर दैन 5 इसका मतलब है टू राउंड ऑफ दिस नंबर 81 टू द नियरेस्ट टेंस हमें जो टेंस प्लेस में है नंबर 8 उसको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा 8 को एज इट इज़ लिखो और जो उसके बाद जो जो प्लेसेस है टेंस प्लेस के बाद कौन सी प्लेस है वंस प्लेस तो वो करो 0 उधर के डिजिट्स बनाओ सारे 0 तो ये राउंड ऑफ हो गया टू 80 सो 81 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस दैट इज 80 ओके और अगर हमारी वंस प्लेस की डिजिट इज ग्रेटर देन 5 से बड़ी आती है तब हमें क्या करना पड़ता है जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसको वी हैव टू इंक्रीज बाय 1 उसको जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसमें हमें 1 ऐड करके फिर टेंस प्लेस के नंबर की जगह प्लस 1 ऑफ टेंस प्लेस नंबर वी हैव टू राइट ओवर देयर ओके वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट एग्जांपल ओके अगेन इन सब पार्ट डी वी हैव टू राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट टेंस ये जो नंबर है 136 इसको हमें राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस पहले प्लेसेस मार्क करो 100 टेंस और वंस और इसको कहाँ राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट टेंस मतलब हमें टेंस प्लेस के डिजिट जो है उसके बाद वाली डिजिट चेक करनी है नियरेस्ट टेंस को राउंड ऑफ करना है ना तो टेंस प्लेस के बाद में कौन सी डिजिट आ रही है वंस प्लेस डिजिट तो वंस प्लेस में क्या है इसके 6 अब ये जो 6 है उसको कंपेयर करो 5 से इज इट ग्रेटर और लेसर देन 5 यस 6 इज ग्रेटर देन 5 6 जो है वो 5 से बड़ा है नाउ हियर वंस प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन 5 तो टू राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट टेंस व्हाट वी हैव टू डू जो टेंस प्लेस का नंबर है क्या है टेंस प्लेस में यहाँ पे 3 दैट वी हैव टू इंक्रीज बाय 1 ये जो 3 है उसको हमें वी हैव टू इंक्रीज दिस 3 बाय 1 सो 3 प्लस 1 इज इक्वल टू हाउ मच 4 तो जो टेंस प्लेस है वो क्या बनेगा 4 100 प्लेस एज इट इज़ रहेगा 1 आएगा 100 प्लेस में टेंस प्लेस में 3 के जगह हम लिखेंगे 4 बिकॉज वंस प्लेस में जो डिजिट है इट इज़ ग्रेटर देन 5 इसीलिए वी हैव चेंज्ड टेंस प्लेस डिजिट बाय 4 एंड जो वंस प्लेस है वहाँ पे मतलब टेंस प्लेस के बाद जितने डिजिट्स आते हैं वो सारे बनाएंगे हम 0 ठीक है सो 140 इज द राउंडेड ऑफ नंबर ओके सो इन दिस वे वी हैव लर्नड हाउ टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 वी विल लर्न हाउ टू राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स यहाँ पे टेंस से राउंड ऑफ किया अभी हंड्रेड से राउंड ऑफ करेंगे ठीक है सो क्वेश्चन नंबर 3 सब पार्ट ए एंड सब पार्ट डी आई एम गोइंग टू सॉल्व और बचा हुआ बी और सी आपने अपने मन से सॉल्व करना है होमवर्क में ओके सो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स
पहले प्लेसेस मार्क करो, हंड्रेड टेंस एंड वंस। तो यहाँ पे हमें राउंड ऑफ करना है, कहाँ पे राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट हंड्रेड्स को राउंड ऑफ करना है। हंड्रेड्स मतलब हंड्रेड प्लेस के बाद कौन सी प्लेस है, हंड्रेड प्लेस के बाद आती है टेंस प्लेस। सो हम चेक करेंगे टेंस प्लेस की डिजिट को। टेंस प्लेस में क्या है यहाँ पे, थ्री। सो थ्री को कंपेयर करो फाइव के साथ। अगर आप थ्री को फाइव से कंपेयर करते हो तो थ्री इज़ ग्रेटर और लेसर देन फाइव, थ्री इज़ लेसर देन फाइव। एज योर टेंस प्लेस डिजिट इज़ लेसर देन फाइव, दैट मीन्स जो हंड्रेड प्लेस की डिजिट है वो वैसी की वैसी ही रहेगी। हंड्रेड प्लेस में क्या है, फोर, तो फोर को एज इट इज़ लिखो। और हंड्रेड प्लेस के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं उतने सारे के सारे क्या लिखेंगे, ज़ीरो। मतलब टेंस और वंस प्लेस में आएगा ज़ीरो ज़ीरो। सो 439 इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड इट इज़ 400। अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं नियरेस्ट हंड्रेड से तो क्या आएगा आंसर, 400। ओके, नाउ सब पार्ट डी। सब पार्ट डी अगेन, मार्क द प्लेसेस फर्स्ट, थाउजेंड प्लेस, हंड्रेड प्लेस, टेंथ प्लेस एंड वंस प्लेस। इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट क्या, हंड्रेड से। किससे राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट हंड्रेड से। तो हंड्रेड प्लेस है, हंड्रेड प्लेस के बाद वाली प्लेस चेक करो, कौन सी है हंड्रेड प्लेस के बाद वाली प्लेस, टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस की डिजिट क्या है, नाइन। नाइन को कंपेयर करो फाइव से, तो आपको नाइन और फाइव में से कौन सा नंबर ग्रेटर है, नाइन इज़ ग्रेटर देन फाइव। तो एज योर नाइन इज़ ग्रेटर देन फाइव, और मैंने बोला है जब योर नंबर इज़ ग्रेटर देन फाइव, दैट मीन्स हंड्रेड प्लेस में जो डिजिट है क्या है, हंड्रेड प्लेस में, हंड्रेड प्लेस में है एट, तो दैट डिजिट वी हैव टू इंक्रीज बाय वन। सो एट प्लस वन मतलब जो हंड्रेड प्लेस की डिजिट है उसमें हमें वन को ऐड करना पड़ेगा। एट प्लस वन इज इक्वल टू नाइन, ठीक है। सो हंड्रेड प्लेस नंबर बिकेम नाइन। अभी ये जो पूरा का पूरा नंबर है इसको राउंड ऑफ करेंगे हम, तो हंड्रेड प्लेस की डिजिट एट के बजाय हम लिखेंगे नाइन, और थाउजेंड प्लेस वैसे का वैसे रहेगा फोर एज इट इज़। हंड्रेड प्लेस को चेंज करो नाइन से, और जो हंड्रेड प्लेस है वी नीड टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड ना, तो हंड्रेड के बाद जितने भी डिजिट्स आते हैं कौन से, टेंथ प्लेस और वंस प्लेस, वहाँ पे क्या जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो। सो राउंडिंग ऑफ क्या आया, 4891 इज़ राउंडेड ऑफ टू 4900, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, हियर वी नीड टू फाइंड द एस्टिमेटेड सम बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट टेंस। तो अभी एस्टिमेटेड सम जो होता है वो फाइंड आउट करना है हमें बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। तो यहाँ पे हमको वो दो नंबर्स दिए हैं उनको ऐड करना है, बट जो एक्चुअल नंबर है उनको नहीं ऐड करना है, उनको राउंड ऑफ करो पहले नियरेस्ट टेंस से और फिर ऐड करो, एंड दैट एडिशन विल बी कॉल्ड द एस्टिमेटेड सम, ठीक है। तो सब पार्ट ए आई एम गोइंग टू सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फोर, and remaining questions from the question number 4 you have to solve in your homework, B or C आपने homework में solve करना। तो जो 83 plus 46 है इन दोनों numbers को हमने क्या करना है, round off to the nearest tens। so rounding off 83 and 46 to the nearest tens। तो पहले 83 को round off करो nearest tens से, पहले places mark करो tens place एंड वंस प्लेस। नाउ वी हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, कहाँ पर राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट टेंस। तो टेंस प्लेस के बाद वाली प्लेस चेक करनी है, कौन सी है प्लेस, वंस प्लेस। वंस प्लेस की डिजिट क्या है, थ्री। थ्री को कंपेयर करो फाइव से, सो विच इज़ ग्रेटर, फाइव इज़ ग्रेटर। सो थ्री इज़ लेसर देन फाइव, मतलब टेंस प्लेस की डिजिट चेंज होगी क्या, नहीं। एट को एज इट इज़ लिखो और टेंथ प्लेस के बाद वाली सारी डिजिट्स को ज़ीरो बनाओ। सो राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस विल बी 80। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है, 46। 46 के प्लेसेस मार्क करो, टेंथ प्लेस, वंस प्लेस। वी हैव टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस,
टेंस से राउंड ऑफ करना है, तो टेंस प्लेस के बाद कौन सी प्लेस है? वंस प्लेस। वंस प्लेस की डिजिट क्या है? सिक्स। सिक्स को कंपेयर करो फाइव से, तो सिक्स इज़ ग्रेटर दैन फाइव। तो सिक्स इज़ ग्रेटर दैन फाइव, इसका मतलब जो टेंस प्लेस में फोर है दैट वी हैव टू इंक्रीज बाय वन। फोर प्लस वन इज फाइव, तो टेंस प्लेस में फोर की जगह भी हमें लिखना पड़ेगा क्या? फाइव। और वंस प्लेस में आएगा ज़ीरो। सो 46 इज राउंडेड ऑफ टू 50। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये राउंड ऑफ हो गया दोनों नंबर्स को। अब हम क्या करना है? एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट करना है। तो एस्टिमेटेड सम क्या होगा? 80 प्लस 50। ये नंबर नहीं ऐड करेंगे, जो राउंडेड ऑफ नंबर्स है उनको ऐड करेंगे। 80 प्लस 50, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 5 इज़ 13, 130 इज़ द एस्टिमेटेड सम। ओके, 130 इज़ द एस्टिमेटेड सम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एस्टिमेटेड सम बाय राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट किया था बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एस्टिमेटेड सम फाइंड आउट करना है बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। 100 से राउंड ऑफ करना है, ठीक है। सो सब पार्ट बी सॉल्व करूँगी और ए और सी आपको अपने मन से सॉल्व करना है। 279 प्लस 621, तो पहले ये दोनों के दोनों नंबर्स को राउंड ऑफ करो नियरेस्ट 100 से। सो राउंडिंग ऑफ 279 एंड 621 टू द नियरेस्ट 100। तो ये जो 279 है इसको नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करना है। प्लेसेस मार्क करो, नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ करना है। तो 100 प्लेस के बाद क्या है प्लेस? टेंथ प्लेस। टेंथ प्लेस की डिजिट क्या है? 7। 7 को कंपेयर करो 5 से, विच इज़ ग्रेटर? 7 इज़ ग्रेटर, दैट मीन्स जो 100 प्लेस है वो चेंज होगी। वी हैव टू इंक्रीज 100 प्लेस डिजिट बाय 1। तो 2 को 1 से इंक्रीज करो, 2 प्लस 1 इज़ 3। तो 100 प्लेस में 2 के बजाय क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। और टेंस और वंस प्लेस में 100 प्लेस के बाद जितने भी प्लेसेस है सारी प्लेसेस में चला जाएगा 0, 0। सो 279 इज़ राउंडेड ऑफ टू 300। ओके, सिमिलर वे नेक्स्ट नंबर क्या है? 621। पहले प्लेसेस मार्क करो, 100, टेंस एंड वंस। नाउ वी नीड टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। 100 प्लेस के बाद क्या है? टेंस। टेंस प्लेस का डिजिट है 2। 2 को कंपेयर करो 5 से। 2 इज़ ग्रेटर और लेसर देन 5? इट इज़ लेसर दैन 5। इट मीन्स 100 प्लेस की डिजिट चेंज होगी क्या? नहीं, लेसर दैन 5 है मतलब 100 प्लेस की डिजिट एज इट इज़ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 6। और टेंस और वंस में क्या लिखेंगे? बाकी बचे डिजिट्स होंगे 0, 0, 600। तो 621 को राउंड ऑफ किया हमने 600 से। अभी एस्टिमेटेड सम में क्या करना है? ये जो राउंडेड ऑफ नंबर्स है उनको ऐड करना है। 300 प्लस 600, ओके, 0 प्लस 0 इट इज़ 0, 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 6 इज 9। सो एस्टिमेटेड सम इज 900। सो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड विद द एक्सरसाइज 2.5। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज यू कैन आस्क मी। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।